दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को लेकर मान्यता है कि इस दिन किसी न किसी वस्तु, सोना चांदी, बर्तन इत्यादि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यदि यह खरीदारी शुभ मुहूर्त में की गई हो तो धनतेरस और भी ज्यादा फलदायक होता है। इस बार धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दौरान सोना चांदी, वाहन, बर्तन इत्यादि खरीदना बेहद शुभ रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग अपने घरों में रखते हैं और दीपावली के बाद उन बीजों को अपने खेतों में बोते हैं। ऐसा करने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। आचार्य पंडित प्रकाश जोशी ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान श्री धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में धनतेरस का पर्व दिनांक 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार हस्त नक्षत्र में मनाया जाएगा धनतेरस, दिनांक 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को। इस दिन हस्त नक्षत्र जो ज्योतिष शास्त्र में इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, 13वां नाम का नक्षत्र, कुल 27 नक्षत्रों में से 13वें नंबर का नक्षत्र होता है ये हस्त नक्षत्र। इसमें खरीदारी के लिए भी शुभ योग होता है और जो इसमें धनतेरस जो है भगवान धन्वंतरी इस दिन उनका प्रकटोत्सव उस दिन प्रकट हुए थे, अमृत का कलश लेके उस दिन समुद्र मंथन के समय। जो खरीदारी का मुहूर्त इस बार लगभग 2 दिन रहेगा, 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से अगले दिन प्रातः 6:40 तक खरीदारी का मुहूर्त है। जो लोग उस दिन नहीं खरीद पाते हैं, खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो अगले दिन प्रातः 6:40 तक खरीदारी कर सकते हैं। यदि पूजा की बात करें तो पूजा का मुहूर्त शाम 5:45 से 7:42 तक, लगभग 2 घंटे पूजा का मुहूर्त है। इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। इस दिन झाड़ू खरीदना और धनिया का बीज खरीदना बड़ा शुभ माना गया है। झाड़ू जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है उसको, और स्वच्छता का प्रतीक भी है झाड़ू। और धनिया का बीज जो है इस दिन धनिया का बीज लोग खरीद के दीपावली के बाद उसको खेतों में बोते हैं, यह अत्यधिक मात्रा में धन धान्य परिपूर्ण करता है। सोना चांदी भी शुभ है, सोना चांदी तो अक्सर धनतेरस में खरीदा जाता है। इसके बाद कोई सा बर्तन भी खरीद सकते हैं आप, तक हो शीक वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू खरीदनी चाहिए। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।